एचएलडीपीकेशन बनी 1410 की, 1410 का मतलब तो अभी मैले भी नहीं चली, फिर ना भी नहीं चली, तो काफी दूध बना की उम्मीद कर सकते हैं। 20 निसंकोच होकर के इस भैंस को खरीद सकते, देख पा रहे हैं फर्स्ट टाइमर रोटी की इतनी आइडल लेंथ होना बहुत कम मिलती है, और अंडर क्वालिटी भी थनों भाई। ये बजरंगी से तैयार किया हुआ मेल का मिल जाएगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आए हैं, जो कि अगर भैंसों का जिक्र करें तो शुरू से ही फेमस रहा है, काफ़ी अच्छे इधर डेयरी फार्म हैं और काफ़ी संख्या में इधर से पशुओं की भाई सेल होती रहती है। और कौशल भाई के पास से हमें दूसरी बार पहुँचे हैं, पहले भी इनके पास से वीडियो कवर करी थी, काफ़ी अच्छा पशुधन भाई रखते हैं और टाइम टाइम से भाई वो बाखड़ी भैंस हुई चाहे ताज़ा भैंस हुई सेल करते रहते हैं। तो आज जो प्रवीण मोरा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं उनके लिए भाई खास मौका है, अगर कोई बाखड़ी भैंस भी खरीदना चाहता हो, वो भी प्रेग्नेंट, तो वो भी भाई के पास हैं और जो तैयार दूध की भी भैंस बिक्री के लिए हैं। तो भाई से पूरा एड्रेस पूरी जानकारी। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार जी सर। तो कौशल भाई एक बार अपना एड्रेस पता बताएं डेयरी फार्म का, कोई साथी पहुंचे तो। ये रोहतक में इशार बाईपास जिंदपुर के पास, इशार रोहतक बाईपास जिंदपुर के पास। हाँ अच्छा, मंदिर है बोलेगा शिवपुर। अच्छा बड़ा बोलेगा जो मंदिर है पुड़ के साथ में, उसके पीछे पड़ता है। फोन नंबर भाई, फोन नंबर है 8782 78862। तो कौशल भाई आप पहले भी एक दो पशु बिक्री करते रहते हो मैं बीच के डेयरी फार्म पे, आज कितने पशु सेल के लिए हैं बाखड़ी और ताजा? आज दो बाखड़ी हैं, एक ताजा है। दो बाखड़ी हैं, एक ताजा है। तो टोटल पशु कितने हैं अपने पास? टोटल 11 है। 11 दूध क्या भाव जा रहा है अभी? दूध 75 रुपए किलो। 75 रुपए ठीक ठाक है। ठीक है। तो डेयरी फार्म आप युवा होते हुए कर रहे हो, कुछ बचत आ रही है या नहीं? हाँ, बचत है, खुद काम करेंगे तो बचत। खुद काम करोगे तो बचत है, नहीं तो भाई जो लेबर रखो रखोगे तो इतनी न तो बचत होती न एक्सपीरियंस भी होने पता, क्योंकि दूसरा काम करता है तो अपने को खुद नहीं सीखने को मिलता। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। तो आपको जो भी पशुधन है भाई अभी दिखाते हैं। तो ये देखें भाई, जो आप पशुधन देखना चाह रहे थे ताज़ा ब्याई ब्यास है, और इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। अच्छे गोल्ड क्वालिटी का जो एक मोरा का सींग होता है वो सींग है, और सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ दोस्तों, जो ब्यास की जो टैल है बिल्कुल ब्लैक टैल है, और वही की वही सेम जो नीचे फीमेल काफ है उस बच्चे की भी ब्लैक टैल है। यानी कि जो पशुपालक साथी ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा पशुधन कह सकते हैं। और सींगों की क्वालिटी देख सकते हो, जो एक खड्डे वाला सींग जो मुर्रा को काफ़ी अच्छा जो सींग ऊपर से घुमा हुआ, और दूध कितना है किस रेट की है ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसके थनों की क्वालिटी और ऑर्डर साइज दिखा देता हूँ। लिया भाई लिया। तो ये देखें भाई, जो सींगों की क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन, और बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा है पशुधन का। तो भाई ये कौन से ब्यात में है? ये सेकंड ब्यात में। सेकंड ब्यात में है। तो अभी कई दिन की ब्याई होगी भाई ये? ये 10-11 दिन की ब्याई है। 10-11 दिन की ब्याई होगी। और मौके पे दूध कितना है तैयार? 16 लीटर। 16 लीटर अभी तैयार है, कोई दो टाइम चेक करना चाहे तो। हाँ, तो इसका मतलब तो अभी मेले भी नहीं चली, फिर ना भी नहीं चली, तो काफी दूध बना की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, 20 देगी, 20 केजी दूध की उम्मीद है। ठीक है, चला करके दिखाएं भाई एक बार फिर। तो ये देखें भाई, मौके पे 10 दिन की ब्याई का 16 केजी दूध तैयार है, और आप बच्चे को भी देख सकते हो, ये नहीं है कि भाई ऐसे ही भाई कह दिया हो 10 दिन की, बच्चा भी बिल्कुल कच्चा है और नीचे फीमेल काफ है। और यानी कि डेयरी फार्म है इसलिए लोग भाई दूध कम पिलाते हैं, अगर जब कोई सिंगल ब्यास होती तो मैं ये कहता बच्चे के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता, और इतना अच्छा सुंदर बच्चा था फीमेल काफ आई थी। यानी कि पशुपालकों को ये समझना पड़ेगा भाई, साथ की साथ जो उसके काफ होते हैं उनको भी अगर हम तैयार करेंगे, ब्रीडिंग के लिए तैयार करेंगे, तो हमारा पशुधन और भी अच्छा होगा, और भाई हम प्रॉफिट और भी अच्छा पशुधन से ले सकते हैं। अकेला दूध बिक्री करके न पैसा नहीं कमा जा सकता। रोके भाई एक बार। तो ये देखें भाई, दोबारा मैं दिखा देता हूँ, अभी हालांकि दूध का टाइम भी नहीं होया है, लेकिन अच्छा पशु अभी तैयार है, और थनों की क्वालिटी देख सकते हो। और भाई ये देखें टेल, देखें बिल्कुल ब्लैक टेल। और चुवाई दुआई कैसी है कौशल इसकी? सॉफ्ट है बिल्कुल, मोटी मोटी। अच्छा मोटी चुवाई की है। हाँ। कोई भी निकाल लो चाहे। हाँ। तो इसका रेट और बता दे भाई, अगर बिक्री करनी है तो। रेट सही। इसका देने वाले 1,65,000। 1,65,000। तो ये देखें भाई, कौशल भाई ने पिछली वीडियो में भी यही बात थी कि जो देने वाला रेट है वही बताया है, यानी कि 16 केजी 10 दिन की ब्याई का दूध है अभी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर भाई महीने की ब्याई हो जाएगी तो महीने तक दूध बनता है, तो 18-19 केजी 20 केजी दूध की हम ये झोटी
आराम से कह सकते हैं, क्योंकि डेयरी पे इतनी संभाल नहीं होती। तो एक और ये कटडी एचएलडीपी सिम बन गई है, एचएलडीपी की सिम बन गई 1470-10 की, 1470-10 की है। हां जी, तो ये देखें भाई कितनी अच्छी बात बताई है कौशल भाई ने, ये कटडी भी जो है 1470-10 की, जिसका आप इंतजार करते रहते हो, बिल्कुल अच्छा जेड ब्लैक बिल्कुल। ये देखें भाई 1470-10 का जो रिजल्ट हमारे को बहुत कम देखने को मिलता है, मैंने भी एक वीडियो में जिक्र किया था, मैंने खुद अपनी एक कटड़ी के सीमन रखवाया था, जो अभी पास मेरे पास कोई बड़ा पुल नहीं था, तो 1470-10 का सीमन का मैंने भाई टिक्का रखवाया है, तो उस काफ़ी महंगा सीमन बड़ी मुश्किल से सिफारिशों से कोई अवेलेबल होता है 1470-10 का जो सीमन है, तो वही सीमन इस कटड़ी का है, बिल्कुल जेड ब्लैक है। हाँ ब्यास भी बिल्कुल जेड ब्लैक है भाई, तो बहुत अच्छी बात। मैं एक सबसे बड़ी बात यह है, जो खरीदना चाहता है उसकी भाई बिल्कुल निसंकोच होकर के इस ब्यास को खरीद सकता है, क्योंकि जो बच्चे की क्वालिटी है ना 1470-10 का रिजल्ट, वो भी फीमेल का आपका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ले जाए। तो ये देखें भाई जो अभी ताज़ा ब्यास दिखाई, उसके बाद जो बाखड़ी ब्यास है ये भी सेल के लिए कौशल भाई ने रखी है, तो इसका भी पूरी डिटेल लेंगे कैसे है। और इसके नीचे भी कटड़ी है भाई, यानी कि फीमेल काप है, सबसे बड़ी बात ये है, बाखड़ी ब्यास के नीचे है, और कटड़ी और मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो भाई से पूछेंगे भाई कई दिन की ब्याई है, कितना दूध है, और आप वैसे एक बार क्वालिटी देख सकते हो पशुधन की, अच्छी क्वालिटी का ये भी पशुधन है, पतली चमड़ी की है। तो कौशल कई दिन की ब्याई होगी है? ये 4.5 महीने की ब्याई होगी, 4.5 महीने की ब्याई। और दूध कितना है? दूध इसमें 9 किलो, 9 किलो दूध तैयार है अभी। हाँ, तो आगे की भी होली भाई कुछ? हाँ 18 तारीख को 2 महीने की होगी, 18 तारीख को 2 महीने की होगी। तो 18 तारीख को 2 महीने की भाई गैप बिन भी हो चुकी है, और नीचे इसके आप देख सकते हो भाई कितना अच्छा बच्चा है, कटड़ी है, नीचे कटड़ी है बिल्कुल बारीक टैल, और ऐसे जो मतलब बच्चों से पता चलता है भाई कि ये भी अच्छे किसी न किसी सीमन की जरूर होगी। ये कौन से सीमन का पता भाई कुछ? इसका नहीं पता। अच्छा इसका पता नहीं है, तो ये देखे भाई भैंस को एक बार दोबारा कवर कर देते हैं, बिल्कुल सिंगों की क्वालिटी देख सकते हो, बिल्कुल जो सिंग क्वालिटी वाला रिंग सिंग होता है वो सिंग है, और पतली चमड़ी की है, थोड़ा हा पशु में मतलब भाई आकर देखा जाए तो थोड़ा हा आगे से लाल रंग है, क्योंकि शेड के नीचे खड़ी रहती है, उस हिसाब से बिल्कुल आप देख सकते हो, नहीं तो थनों के अभी अच्छी क्वालिटी है, थनों की भी चुवाई दुआई कैसी है भाई इसकी? इसकी भी सॉफ्ट है, मोटी मोटी। हाँ जी, तो इसका रेट क्या है भाई? इसके देने के 82,000, 82,000 रुपए। हाँ जी, तो भाई 82,000 रुपए में बाखड़ी 2 महीने की गैप बहन, यानी के और ऊपर से नीचे फीमेल काफ है, और चेक पास है भाई? ये चेक पास नहीं हुई अभी। अच्छा 3 महीने की करवा, चेक नहीं कराई अभी ना? 3 महीने की, ठीक है, तो चेक नहीं कराई है, यानी कि कोई करा के ले जाना चाहे तो करा सकता है। हाँ, तो चेक पास करा के ले जा सकता है भाई, और नीचे कटड़ी है, और 9 kg दूध है, 82,000 रुपए रेट बता। हाँ, 82,000 रुपए इस भाई मुर्रा पशुधन का रेट है। तो भाई ने दोनों ही अच्छे पशुधन दिखाए हैं, और रेट भी भाई इस टाइम को गर्मियों का टाइम को देखते हुए काफी अच्छा रेट है, ले जाए भाई। तो ये देखें भाई जो फर्स्ट टाइमर जोटी है, फुल हाइट लेंथ जिसको हम भाई देख पा रहे हैं, फर्स्ट टाइमर जोटी की इतनी हाइट लेंथ होना बहुत कम मिलती है, और अडर क्वालिटी भी, थनों की क्वालिटी भी बिल्कुल छोटे जो एक थन पशुधन के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, और टैल भी काफ़ी अच्छी, यानी कि भाई ये भी भाई ने सेल के लिए रखा है इसको, बाखड़ी बाखड़ी का 6 महीने की ब्याई हो चुकी है, तो 6 महीने की या 4 महीने की ब्याई भाई? 3 महीने की ब्याई हो चुकी है ये। हाँ जी, ब्याई कितने दिन की होगी? 6 महीने की, 6 की। हाँ तो 6 महीने की ब्याई है भाई, और 6 महीने की ब्याई का अभी दूध पूछेंगे कितना है, और ये देखें भाई 6 महीने की ब्याई बहुत अच्छा पशुधन का आप कह सकते हैं, नीचे इसके जो मेल काप हो भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, तो इसके अभी दूध कितना है भाई? दूध इसमें 7 किलो है, 7 किलो मौके पे तैयारी तैयार पे कितना दिया इसने पिकले? इसने 14 किलो, 14 किलो दूध। तो ये गैपन कौन से है भाई? ये बजरंगी से है, बजरंगी लिजवाने से। हाँ जी, तो कै रुपये का सीमन लेकर के आई? ये डॉक्टर से ही रखवाया था यहीं पे, यहीं पे कै रुपये लगे? 500 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। तो ये देखें भाई बजरंगी लिजवाने के उससे ये गैबिन है, काफ़ी ऊंचे बच्चे आते हैं, लंबे बच्चे आते हैं उसके भी, और ये खुद भी बहुत ऊंची पशुधन है, यानी कि बहुत अच्छी है भाई उनके लिए, जो नए पशुपालक साथी हैं उनके लिए बहुत अच्छा पशुधन हो सकता है, क्योंकि भाई साथ में एक अच्छे बुल से भाई प्रेगनेंट भी करा रखी है, फुल हाइट लेंथ की खुद है, और नीचे और देखें एक जो ये इसका जो बच्चा है काफ है वो भी काफ़ी अच्छा स्पुष्ट बच्चा है, और जो मैंने एक चीज़ देखी इसे कटड़े में, जो इसके टेस्टिकल हैं बड़े साफ सुथरे टेस्टिकल हैं, जो कि बहुत कम बच्चों के ऐसे टेस्टिकल मिलते हैं, यानी कि अगर जा कोई दूसरे स्टेट का भी साथी कोई खरीदना चाहता है
तो उसको एक तैयार किया हुआ मेल काफ मिल जाएगा, यानी कि डेयरी फार्म पे एक उसको कटड़ा अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका रेट क्या है कौशल? इसका 92,000। 92,000 रुपये बिक्री का, हाँ, एक ही रेट है। हाँ तो ये देखें भाई, 92,000 रुपये इसका रेट रखा है। दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर हम कटड़ी भी लेना लेने जाते हैं किसी डेयरी फार्म पे, तो 1,00,000 रुपये से नीचे कोई भी अच्छी नस्ल की कटड़ी नहीं मिलती। लेकिन आज 92,000 रुपये में आपको आप बाखड़ी बोल सकते हैं, चाहे कटड़ी समझ सकते हैं इसको, यानी कि कटड़ी, यानी कि कम से कम आपको ये तो पता चल गया भाई थनों की साफ सुथरी है, नहीं तो ये पता नहीं चलता कटड़ी का, तो ब्यायेगी कैसी निकलेगी, उसके थन साफ सुथरे होंगे या नहीं होंगे। 14 kg दूध इस डेयरी फार्म पे दिया है, जो कि बहुत कम संभाल होती है डेयरी फार्मों पर, और अभी 7 kg दूध इसका मौके पे तैयार भी है। ठीक है भाई, तो ये तीन ही पशुधन है बिक्री के लिए भाई। तो भाई ये तीन पशुधन जो बिक्री के लिए कहते हैं, इसमें एक ताजा पशु और 2 बाखड़ी। तो जो भी साथी इसको खरीदना चाहता है भाई के दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। मैं एक बार एड्रेस पता भाई का दोबारा ले लेता हूँ। भाई जी एक बार एड्रेस पता फिर दोहराएं। ये रोहतक में सर बाईपास जिंदपुर के पास जो शिव भोले की मूर्ति है खड़ी उसके पीछे, उसके पीछे कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो नंबर और बता दो। 87082 78862 78862, यानी कि भाई से लोकेशन भी मंगवा सकते हैं भाई, लोकेशन के उस पे भी आ सकते हैं, और नहीं तो बिल्कुल जस्ट जो सामने आप देख पा रहे हो भाई नजदीकी फुल ट्रैफिक मैन हाईवे है, मैन पुल है, उसके ये बिल्कुल पीछे ही है भाई का। और युवा साथी हैं, काफी अच्छा भाई काम चला रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।